वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया, जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर जोर दिया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पर दोगुना खर्च किया गया है, वहीं वन नेशन वन ग्रिड प्लान का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल को मंजूरी दी गई है और रेलवे में PPP मॉडल इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में कुछ 10 प्रमुख घोषणाएं हुई हैं, वो हम आपको बताते हैं। 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। इसके तहत देश की 99% कंपनी आ जाएगी। लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी। इसके अलावा 1 से 20 रुपए के नए सिक्के जल्द जारी किए जाएंगे। जनधन खाताधारक महिलाओं को 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग से 1,00,000 रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। 45,00,000 रुपये तक के मकान खरीदने के लिए ब्याज पर आयकर छूट सीमा 2,00,000 रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। छोटे दुकानदारों को पेंशन के साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा। 2 से 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों पर 3% अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपए से अधिक कमाने पर 7% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। बैंक से 1 साल में 1 करोड़ से अधिक की राशि निकालने पर 2% का TDS लगाया जाएगा, यानी सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक निकालने पर 2,00,000 रुपए टैक्स में ही कट जाएंगे। ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे, यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है। सोने पर शुल्क बढ़ाकर 10% टैक्स से बढ़कर 12.5% कर दिया गया है। तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। मोदी सरकार ने ई वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।